अच्छी हूँ एंड बहुत मेहनत और रिसर्च के बाद मैं आपके लिए एक अच्छा नया टॉपिक लेकर आई हूँ, जो आपके घरों से, आपके बुजुर्गों से, आपके बड़ों से रिलेटेड है एंड आप सबसे रिलेटेड भी है। आज का जो टॉपिक है वो है लोनलीनेस, अकेलापन। उसको कैसे दूर करें? वो ज़रूरी नहीं है कि वो बुज़ुर्गों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, या वो हर एज में मिल सकता है, वो छोटे से बच्चे के अंदर भी हो सकता है, वो एक 25 साल के लड़के के अंदर भी हो सकता है, वो किसी के अंदर भी मिल सकता है। सो स्टार्ट करने से पहले, थोड़ा बड़ा है ये टॉपिक तो प्लीज़ इसको स्किप ना करें एंड इसको प्लीज़ ट्राई करें कि आप इसको पूरी वीडियो को देखें। सो जो मेरे को चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है वो मैं आपको धीरे धीरे बता देती हूँ कि आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं। ओके, यस। देखो, जो अकेलापन होता है वो वैसे तो बहुत प्रकार का होता है, लेकिन मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ तो मैं दो चीज़ों के बारे में बताना चाहती हूँ सबसे पहले। एंड ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये मेरे थॉट्स नहीं है, ये मुझे किसी ने अपनी रियल लाइफ की एक्सपीरियंस बताया, क्योंकि मैंने उन लोगों से भी बात की है जो लंबे समय तक अकेले रहे हैं, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स जिन्होंने अकेले निकाला है। तो मैंने जिनसे बात की है वो अकेले तो आए थे मजबूरी में, कि मतलब एक होता है ना कि आपको अकेले रहना है बाय चॉइस, ठीक है, एक होता है अकेले होता है मजबूरी, हेल्पलेस, कि जैसे चॉइस, जैसे मैं बताती हूँ आपको कि जो चॉइस बाय चॉइस अकेला आया होगा उसको मोह माया से परे होगा, वो उसको कोई टेंशन नहीं दुनियादारी की, वो अकेले खुश है। मतलब ये मान लीजिए सॉलिट्यूड एंड जो वर्ड है वो उसको बोला जाता है एकांत। एकांत में आप मेडिटेशन कर सकते हैं, एकांत में आप अपने कहते हैं ना कि एनलाइनमेंट आपको मिलता है, आप आत्मज्ञान की आपको प्राप्ति हो जाती है एकांत के अंदर। तो वो लोनलीनेस टू सॉलिट्यूड जो चले जाते हैं लोग, वो बाय चॉइस होता है कि मुझे मुझे इस्कॉन टेम्पल ज्वाइन करना है, मेरे को मुझे कुछ ऐसा करना है जो कोई सब मोह माया के पीछे पड़े हुए, सबको पैसा चाहिए लाइफ में, सबको ये चाहिए। कुछ लोग होते बाई चॉइस एकांत में जाना चाहते हैं कि कोई उनको डिस्टर्ब ना करे, पहाड़ों में चले जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या कोई भी ऐसा कुछ अपना सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया नया नया। जो मजबूरी, जो हालात से, जो परिवार से, परेशानियों से जो लोग अकेलेपन के अंदर आ जाते हैं, देखो दो तरह के लोग होते हैं उस फील्ड में जो लोग मजबूर होकर अकेलेपन में आते हैं। पहला तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रो लेते हैं, किसी से सिंपथी ले लेते हैं, अपनी बातें बता देते हैं कि देखो मैं इस सिचुएशन में हूँ, अपने निजी फ्रेंड को, किसी क्लोज फ्रेंड को बता देते हैं कि देखो मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकलने में मेरी हेल्प कीजिए। तो देखो दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग कि कोई इंसान आपसे हेल्प मांग रहा है, कि वो इस अकेलेपन से बाहर आना चाहता है, अपनी मर्जी से बाहर आना चाहता है, ठीक है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इसको अंदर ही अंदर खाया जाता है अकेलापन, और वो जीने नहीं देता, फिर वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि अगर आप अकेलेपन के शिकार हो रहे हैं तो फिर आप शेयर कर लें, जो भी प्रॉब्लम आपके मन में, दिल दिमाग जो भी चल रहा है वो सब आप शेयर कर लें। सो कुछ लोग होते हैं कि देखो शेयर भी आपको उन्हीं लोगों से के साथ करना है जिनको आप अच्छे से जानते हैं, समझ रहे हैं आप। दो तरह के लोग होते हैं, तो स्ट्रेंजर को आप कुछ भी बता सकते हैं, यस आप बता सकते हो किसको बता रहे हो, किसको जानता है, लेकिन अपने, देखो मैं इस चीज़ के बारे में इतना कुछ नहीं कहना चाहती कि, बट मैं इतना जानती हूँ कुछ लोग होते हैं जो फेसबुक पे ऐसे किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देंगे, वो आगे से बात कर, हाँ जी हेलो कौन, मैं आपको जानती हूँ, नहीं मेरी ज़िंदगी में कोई है ही नहीं बात करने के लिए, तो सोचा आपसे बात कर लूँ। लोगों को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ये बड़ा ट्रेंड था कुछ सालों पहले कि लोग अननोन लोगों से बातें कर रहे हैं, आगे से रिजेक्शन मिलता है फिर उनको। देखो कोई किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप कितने पेन से गुजरे हैं, आपके अंदर कितनी आप प्रॉब्लम से गुजरे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है आपकी लाइफ से। सो सबके सामने अपना रोना रोने की कोई जरूरत नहीं है, आप वर्थ है यार आपकी, कोई क्यों। और
रोना भी क्यों है? क्यों बताना है किसी को कि आप प्रॉब्लम में हो? जब आप किसी को यही बता देते हो कि आप कमजोर हो या आपकी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट क्यों लेगा? बोलेगा ये सब खुद खुश नहीं है, मेरे को क्या खुश रखेगा। इसलिए लोग रिलेशनशिप में भी उन लोगों के साथ नहीं आते जो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, अकेला रहना में पसंद करते हैं, या सारे दिन ये टूट गया वो फूट गया चोट लग गई ये हो गया, नहीं पसंद करते लोग ऐसी पर्सनालिटीज को। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ, अभी मैंने जस्ट ओवरव्यू दिया है, अभी मैं जो स्टार्ट करना चाहती हूँ वो मेरा टॉपिक स्टार्ट होता है एक्सपेक्टेशन से। देख लीजिए कि इस दुनिया में कुछ भी बिगड़ रहा है, सुधर रहा है, वो सब एक्सपेक्टेशन की वजह से होता है। मान लीजिए कि आप बुजुर्ग हैं, सॉरी मान लीजिए आप 40 इयर्स के हैं, ठीक है, आपका एक बेटा है बेटी है, आपको पता होना चाहिए बेटी शादी करके एक दिन चली जाएगी, लड़का अपने पैरों पे खड़ा होकर शादी करके या तो फॉरेन शिफ्ट हो जाएगा या मेरे साथ भी रहेगा। तो आपको भी पता है कोई किसी का आज के टाइम पे नहीं होता, सबके अपने अपनी फैमिली देखनी होती है, अपने बच्चे देखने होते हैं। सो डियर, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप 40 इयर्स में ही 40 इयर्स में ये जान लें कि भाई मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है अपने बेटे से कि कल को वो मुझे रोटी देगा या मेरी वाइफ को, ठीक है, आप अपना जब आप इतने सालों तक अगर आप अपने परिवार को पाल सकते हैं, तो आप बुढ़ापे में भी इतनी सेविंग कर सकते हैं कि जिससे आपको बुढ़ापा अच्छे से निकल जाए। आप अपने लिए कमाए ना, अपने अपने पे खर्च कीजिए उस चीज को, एक्सपेक्टेशन छोड़ दें। जिस दिन आपने एक्सपेक्टेशन छोड़ दी, उस दिन आपकी जिंदगी पटरी पे आ जाएगी, मैं इतना मानती हूँ। जैसे कि मान लीजिए काफी लोग होते हैं कि अपने लाइफ पार्टनर को लेके सोचते हैं कि मैं इसके साथ 80 साल तक जीऊंगा या हम 100 सालों तक साथ में रहेंगे, लेकिन अगर उस पार्टनर में से एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या डिवोर्स हो जाता है या ब्रेकअप हो जाता है, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, हस्बैंड वाइफ होता है, तो एक्सपेक्टेशन लगा रखी है ना कि वो मेरे साथ जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो फिर वो इंसान ब्रेक होता है, फिर वो डिप्रेशन का शिकार होता है, एंग्जाइटी होती है। तो एक्सपेक्टेशन क्यों लगानी है भाई कि ये इंसान मेरे साथ जिंदगी भर रहेगा, ये बेटा मेरे लिए ये कर देगा, बेटी मेरे लिए कर देगी, बहू मेरे लिए आके ये कर देगी। जिस दिन आपने सोच लिया ना कि मुझे अपना ख्याल खुद रखना है, तो मुझे नहीं लगता कि इस टाइप की प्रॉब्लम कभी भी आप लाइफ में फेस करेंगे। तो मेरी जितनी भी ये वीडियो बनाने का जो मोटिव था वो यही था कि आप एक्सपेक्टेशन छोड़ दें। यही सबसे बड़ा कारण होता है जब आप एक लोनलीनेस की तरफ या अलोन या अकेलेपन की तरफ हो, जब आप जाते हैं, सबसे बड़ा कारण यही होता है। स्टार्ट करते हैं। लोनलीनेस इज अ बिग प्रॉब्लम एट एनी एज, बट इन अ टाइम ऑफ रिटायरमेंट विद लॉस ऑफ सेल्फ वर्थ फाइनेंशियल सिक्योरिटी इफ यू हैव नो पर्सन टू टॉक, दिस इज द सीरियस प्रॉब्लम फॉर स्टार्ट फ्रॉम। ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है जब आपके पास कोई भी बात करने के लिए नहीं होता, आप रिटायर हो जाते हैं, आपको लगता है कि मैं कमाता नहीं हूँ, मेरी कोई सेल्फ वर्थ नहीं है, मेरे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटीज नहीं है, मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, मैं क्या करूंगा। तो ये चीजें आपकी अकेलेपन और इन चीजों से, जब आप घर में पैसे भी कमा के नहीं लाते तो आपकी फैमिली भी आपको वॉटलिस्ट स्टार्ट है, ठीक है छोड़ो, चाहे जवान है चाहे वो बूढ़ा इंसान है। आप देखते होंगे कि आप घर में जो जो जॉब नहीं लगे रहे तो आपको ताने मिलते हैं कि यार तेरे बस की कुछ नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता, लाइक या पापा के पैसों पे पड़ पलना हमेशा, लाइक इस टाइप से बोला जाता है। सो सोशल आइसोलेशन एंड लोनलीनेस आर वेल नोन एज अ कॉज ऑफ डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड फिजिकल इलनेस। आप ये मत सोचिए कि आपका लोनलीनेस या आपका लोन होना या वो आपको मानसिक रूप से बीमार कर रहा, नहीं, वो आपको फिजिकल भी आपको उतना ही अंदर से खोखला कर रहा है, आपके हर्ट को बहुत नाजुक बना रहा है, आपके आपके अंदर सेल्फ स्टीम खत्म कर रहा है, आपकी इम्यून सिस्टम को लॉस कर रहा है, आपकी जो होता है गट्स उसको खत्म कर रहा है। मैंने बताया ना, एक्सपेक्टेशन खत्म कर दो, हर इंसान से एक्सपेक्टेशन खत्म कर दो। मुझे, मैं मानती हूँ कि जिनके साथ आप इतने सालों से रहते हो आपको इतनी एक्सपेक्टेशन तो रख सकते हैं ना, जिनके लिए मैंने जिंदगी भर इतना सब किया वो मेरे लिए, लेकिन मैं वही कह रही हूँ ना, अगर आपको अगर स्ट्रांग बनना है ना तो इमोशंस निकाल दो अपने अंदर से। जिस दिन आप इमोशनलेस होके अपने जिंदगी के बारे में प्रैक्टिकल होके सोचने लगे ना, मैं मानती हूँ ये रिश्ते
हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर बेटा एक जैसा नहीं होता, हर बाप एक जैसा नहीं होता, लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, आप थोड़े से एक्सपेक्टेशन कम करके अपनी जिंदगी की आज से शुरुआत करके देखें, आपको दुख नहीं होगा। सो रिसर्च ने, मैं पढ़ा इसलिए ही कि रिसर्च में बताया गया है कि जब एक इंसान एक दिन निकालता है लोनलीनेस के साथ, अकेलेपन के साथ जब वो एक दिन निकालता है, तो 15 सिगरेट पीने के बराबर जो हेल्थ में जो डैमेज होता है वो एक लोनली इंसान फील करता है, उतना डैमेज, उतनी बॉडी डैमेज, उतनी सोल डैमेज वो फील करता है जितना एक इंसान 15 सिगरेट पी के फील करता है, या जो उसकी बॉडी में जो हार्म इफेक्ट्स होते हैं। सो लोनलीनेस भी बहुत टाइप का होता है। मान लीजिए आप अकेले हैं, बाय चॉइस मैंने आपको बताया, एक आप मजबूरियों की वजह से है, एक आप अकेलापन ऐसा भी होता है। समटाइम्स अ लोनलीनेस प्लेस इज इन द मिडल ऑफ अ क्राउडेड रूम। आप बहुत सारे लोगों के बीच में, आप एक पार्टी में, आप एक शादी में, बट आप अकेले हैं, आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, आप किसी से बात करने नहीं जा रहे हैं, या आप सबसे, आपसे बात भी हो गई, सब हो गया, लेकिन आप अंदर से बहुत अकेले हैं, आप आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन नहीं है, यू आर रेस्टलेस, बेचैनी सी आपको, वो भी एक अकेलापन होता है। सो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लोनलीनेस, इसको समझते हैं कि लोनलीनेस होती क्या है, ठीक है। इसके मैं आपको फर्स्ट जो टॉपिक है उसका, फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट, सबसे दूर भागना, किसी हर चीज से अलग हो जाना, इज कॉल्ड डिटैचमेंट। सो डिटैचमेंट फ्रॉम अदर्स, हर इंसान से अलग हो जाना। फियर ऑफ जजमेंट, उस इंसान को ये लगता है कि मेरे को ना लोग जज करेंगे। मान लीजिए आपके पास अच्छे कपड़े नहीं है और आपको कहीं शादी में, किसी फंक्शन में जाना है, तो उसको, उस इंसान को लगता है कि नहीं, मेरे को ये फंक्शन अटेंड नहीं करना, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, और लोग मुझे जज करेंगे कि ये गरीब है, या इसके साथ खड़े होकर पिक्चर्स नहीं क्लिक करानी, या मुझे नहीं पता कि सीरियसली ऐसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन उस इंसान ने अपने आप के अंदर फियर ऑफ जजमेंट को बिठा लिया है। मान लीजिए मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो मैं वहां जाके मैं कैसे, मान लो आपका इंटरव्यू है, आप सीवी, मतलब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको लगे मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी आती, मैं कैसे इंटरव्यू दूंगा, तो वो इंसान ना फिर सोशली डिप्राइव होना स्टार्ट हो जाता है, वो जॉब नहीं जाता, वो घर में रहता है, उसको लगता है कि वो कहीं वर्क करने के लायक नहीं है, वो कहीं अपनी जगह नहीं बना पाएगा। थर्ड इज शेम, एक शर्म, हाँ भाई मैंने जो बताया इंग्लिश नहीं आना, या इस टाइप की कोई भी चीज़ है जिससे वो शर्म महसूस करे। मान लीजिए उनके पास बहुत अच्छे ब्रांडेड शूज नहीं है, या बहुत अच्छा एक कैरी बैग नहीं है, या बहुत अच्छे कपड़े नहीं है, तो वो इंसान को लगता है कि उसको शर्म फील होती है, तो इस चीज़ के लिए भी वो इंसान डिप्राइव होना शुरू हो जाता है, या स्कार्सम मिलना उसको, कहीं भी जाके उसको ताने मिलने किसी भी बात को लेके, तो भी इंसान वहां जाना या सोशली इकट्ठा बैठना भी वो अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है, कि उसको लगता है कि वो उन लोगों में बैठ के बात करने के मतलब लाइक नहीं है, काबिल नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट्स विद लव्ड वंस, जब डिटैचमेंट वहां से भी स्टार्ट होने लग जाती है, जब आप अपने लव्ड वंस को, या आपने एक जो आपका रिलेशनशिप है उसको आप अच्छे से समझते नहीं है, या आपकी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं उस रिलेशनशिप के अंदर, एंड या दिस इज द वेरी बिग रीजन कि नो रिलेशनशिप। मान लीजिए कोई रिलेशनशिप ही नहीं है उसकी जिंदगी में, या वो इतना अट्रैक्टिव नहीं है कि उसको एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या वाइफ, वाइफ तो चलो मिल ही जाती है, घर वाले शादी करवा ही देते हैं, गर्लफ्रेंड नहीं होना, या कोई अच्छी फ्रेंड नहीं होना, अच्छा फ्रेंड नहीं होना, मम्मी पापा के पास इतना टाइम नहीं होना कि उनके पास बैठ के वो बातें कर सके। सो ये बहुत तरह की चीजें हो सकती है, जब इंसान, जब इसके पास कोई अच्छा रिश्ता नहीं होता तो वो भी इंसान अकेला रहना पसंद करने लगता है, या फिर मजबूरी में उसे अकेला रहना पड़ता है। अनएबल टू स्टेबलाइज और स्ट्रेंथन बॉन्ड बिकॉज ऑफ पास्ट हिस्ट्री ऑफ अलोन। सो कुछ लोग जो होते हैं कि एक नया रिश्ता या एक अच्छा बॉन्ड बना नहीं पाते, अगर किसी का, मान लीजिए किसी के साथ कोई हादसा हो चुका है, या डिवोर्स हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, या पास्ट हिस्ट्री बहुत बेकार रही है किसी भी रिलेशनशिप को लेके, किसी भी नई चीज़ को लेके, तो वो इंसान उस चीज़ को करना नहीं चाहता, क्योंकि उसको वो पुरानी चीज़ें याद आने लगती है, उन्हें लगता है कि नो, मैं दोबारा वो पेन, या मैं दोबारा उस चीज़ में नहीं जाना चाहता।
ये भी एक बड़ा कारण होता है अकेले रहने का. लॉस ऑफ लव्ड वंस, किसी की डेथ हो जाना. सो चैलेंजेस इन अडॉप्टिंग टू न्यू एनवायरनमेंट. मान लीजिए आपकी कहीं जॉब लग गई है, कि नया कहीं ट्रांसफर हो गया, नया घर आपने ले लिया, उस एनवायरनमेंट को आप नहीं जानते हैं, आसपास के लोगों को नहीं जानते हैं, तो वो भी एक अकेले रहने का कारण हो सकता है. एंड हाँ, शो टेम्पर्ड होना, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, तो ये ऐसे लोग भी ज्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जब आप बात बात पे गुस्सा करेंगे तो आपके साथ रहने वाले लोग ही आपसे दूर हो जाएंगे फिर, तो ये भी बड़ा कारण होता है. सो हम सिम्टम्स जान लेते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं जब लोनलीनेस आपके शरीर में एंटर, आपके दिमाग में, दिल में, आपकी आत्मा में घुस चुका है. उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? सबसे पहले आप उदास रहना स्टार्ट कर देंगे. आपके अंदर कोई जोश नहीं रहेगा, कोई उमंग नहीं रहेगी, कोई जिंदगी जीने की कोई चाह नहीं रहती. वो इंसान उदास, सैडनेस आने स्टार्ट हो जाती है उसके अंदर. डिटैच्ड फीलिंग, सबसे अलग रहने का मन करना. साथ में आप डिनर करते हैं, वो भी नहीं करने का मन करना. टाइम बे टाइम खाना खाना, अलग ही ख्यालों में खोए रहना. तो ये चीजें, एंग्जाइटी और नमनेस होना, बैठे बैठे इंसान मतलब अलग ही कुछ सोचे जा रहा है, सुन्न हो गया है किसी ख्यालों में. मुझे नहीं पता ब्लड प्रेशर हाई और लो, आई डोंट नो, बट उसमें इंसान ना लेटा रहता है, लेकिन वो बोलना चाहता है बट वो बोल नहीं पाता. लाइक वो कुछ बोलना चाह रहा था, कि उसको लग रहा था कि वो बहुत तेज चिल्ला रहा है, बट उसके आवाज ही नहीं निकल पाती. तो जब इंसान अकेला महसूस करता है ना, बहुत ज्यादा लोनलीनेस रहने लगता है बहुत टाइम से, तो ये चीज अट्रैक्ट करती है उसकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर, ये प्रॉब्लम आने लगती है. और इंसान फिर ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये रियल एग्जांपल है, सो इसीलिए मैंने आपको ये बताया है. लैक ऑफ एनर्जी एंड लॉस ऑफ इम्यून सिस्टम, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जब इंसान अकेला महसूस करता है सो उसके साथ ये होना बहुत शुरू होना शुरू हो जाता है. लॉस ऑफ लाइफ पर्पस, उसको लगता है मेरे जीने का कोई पर्पस नहीं बचा है, मैं क्यों जीऊं, किसके लिए जीऊं, जिनके लिए जी रहा था उन्होंने तो मेरे साथ छोड़ के चले गए हैं, या एग्जैक्ट ऐसा. सो फीलिंग सुसाइडल, सबसे बड़ा कारण होता है अकेलेपन का, कि इंसान सुसाइड करने की सोचता है. वो सुसाइड करने की तब सोचता है जब वो हार चुका होता है, कोई उसको बात करने के लिए नहीं मिलता, उसके अपने उसको समझते नहीं है, या बहुत सारे फैक्टर हो जाते हैं जब इंसान सुसाइड की तरफ पहुंचता है या करने की सोचता है. सो रेस्टलेस, बेचैनी या घबराहट फील होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं. इंटरेस्टेड मोर इन नॉन लिविंग थिंग्स देन लिविंग बींग्स, जो इंसान अकेला रहना पसंद करेगा ना, उसको एक लिविंग बींग, एक मतलब ये मान लीजिए उसको एक डोगी कैट तक भी उसको अच्छा नहीं लगेगा. वो एक चेयर में इंटरेस्ट ले सकता है, टेबल में, वो एक पिल्लों में, एक बुक में इंटरेस्ट ले सकता है. नॉन लिविंग थिंग्स उसको अच्छी लगेंगी, बट एक हंसता खेलता परिवार या लोग उसे पसंद नहीं आएंगे. वो बिल्कुल ही अकेले रहना ज्यादा पसंद करेगा. एंड खुश और हंसते हुए लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे. उसे लगेगा बस मैं यहाँ से उठ के चले जाऊँ, क्यों, कैसे हंस रहे हैं, क्या इनकी जिंदगी में, मतलब उनको समझ ही नहीं आएगा कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों, कैसे हो सकता है. और उनका सबसे ज्यादा अकेले रहने का मन करेगा. मुझे पता है वीडियो 19 मिनट्स की हो चुकी है, बट आई एम रियली सॉरी कि मैं कंटेंट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगी. मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे से भी, मैं कोई भी अगर टॉपिक बना रही हूँ, वट एवर यू डू, डू द बेस्ट. सो जो भी टॉपिक मैं बना रही हूँ वो सुना जाए, समझा जाए, और उसके डेप्थ तक लोगों को पता चले. ऊपर ऊपर से अगर बताना होता तो मैं 5 मिनट में इस वीडियो को कंप्लीट कर सकती थी, बट मुझे लगता है कि अगर मैं किसी चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ तो वो अच्छे से की जाए. सो मदर टेरेसा जी कहती हैं कि लोनलीनेस वो खुद को एक ऐसा महसूस कराना कि मेरी ज़रूरत नहीं है, या अनवांटेड फील कराना, दुनिया की सबसे मोस्ट टेरेबल पॉवर्टी है. देख लीजिए गरीबी किस हद तक हो सकती है. एक इंसान, आई थिंक पॉवर्टी इज अ वेरी डिफरेंट वर्ड. जब इंसान अनवांटेड फील कर रहा है तब सोच सकते कि वो कितना डिप्राइव फील किया जा रहा है उसके द्वारा खुद के लिए.
मोस्ट ओके सो कॉजेस क्या है इसके, अभी तक हमने क्या समझा, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड करना कि लोनलीनेस क्या है, उसको समझना सबसे पहले. दूसरा मैंने आपको सिम्टम्स बताया, एंड थर्ड वी आर गोइंग फॉर कॉज कि कारण क्या है लोनलीनेस के. तो सबसे बड़ा जो कारण है, लाइफ इवेंट्स, आई टोल्ड यू अर्लियर, ब्रेकअप, डाइवोर्स, डेथ, मूविंग इन न्यू सिटीज एंड जॉब. सो दिस इज द मेन कॉज. एंड सेकेंडली ओके एंगेज ऑन सोशल मीडिया और मोबाइल फोन. तो जैसे कि मान लीजिए कि आप दो लोग, बहुत चला भी था ये चीजें कि आप दो लोग बैठे बातें कर रहे हैं, वो भी फोन पे अपने चैटिंग पे लगा, वो भी चैटिंग पे लगा, या फोन स्क्रॉल करे जा रहे हैं. फेस टू फेस कन्वर्सेशन खत्म हो चुकी है, लोग सोशल मीडिया पे या फोन में ज्यादा चिपके हुए हैं. तो सबसे बड़ा कारण लोनलीनेस का यही, और यही सबसे ज्यादा रिश्ते खराब कराने वाला टॉपिक भी है. मैं मानती हूँ कि अगर आप सब काम करके घर पहुंचे ना, तो आप बात करें, आप अपने पार्टनर से, अपने मदर फादर से आप बात करें, ना कि फोन में लगे रहें. ओके, नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, ये मैं बताना तो नहीं चाह रही थी, बट रियली वेरी सॉरी, जो भी ये वीडियो देख रहा है उसे अच्छे से पता है मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ. किसी की जबरदस्ती शादी करा देना, लड़की ना पसंद होने पर भी, और इंडिया में माँ बाप ऐसा करते करते हैं, वो नहीं सुधर नहीं सकते. पता नहीं क्यों वो अपनी मेंटेलिटी या जो भी, मुझे नहीं पता, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, क्यों ऐसा करते हैं. और लोग अपनी जिंदगी में बात कर लेते हैं, और लोग अकेले रहना पसंद करते हैं अपने पार्टनर. हमारी फैमिली को लगता है जब शादी हो जाएगी तो सब सही हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बच्चे तो छोड़ो, वो अपने पार्टनर के साथ घर वालों की प्रेशर में आके, वो चाहे मारने का प्रेशर हो, घर वालों का बोला कि मैं सुसाइड कर लूँगा, फादर ने बोला, मम्मी ने बोला, ये सब चलता है. और ये सब बोलने के बाद भी, हाँ इस बोल ये सब ये इस प्रेशर के बाद इंसान शादी तो कर लेता है, लेकिन बाद में वो दोबारा शक्ल तक नहीं देखता अपने पार्टनर की. तो ऐसे एग्जाम्पल क्रिएट ना करें सोसाइटी में. और ये मैं एग्जाम्पल नहीं देना चाहती, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है, लोगों को अपने आप पता है. तो मुझे नहीं पता, मैं इस बारे में अपने कुछ कहना नहीं चाहती, बट गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो पर्सनैलिटी जैसे ट्रैट होते हैं कि लाइक लो सेल्फ इस्टीम होना किसी के अंदर, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होना, शो टेम्परमेंट होना, सो इस वजह से ये भी कॉजेज होते हैं लोनलीनेस की. कुछ लोगों का नेचर ही ऐसा है कि उसको कितना भी हंसाने की आप कोशिश कर लो, वो खुश नहीं हो सकता. कुछ कर लो उसके लिए, लेकिन उसका नेचर ही ऐसा है कि उसने खुश नहीं होना. ठीक है, सो डिप्रेशन इज लाइक नो मोटिवेशन फॉर लाइफ, लॉस ऑफ बिजनेस एंड करियर एक्सेट्रा. सो लोनलीनेस का सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है. मान लीजिए आपने अपनी सारी जमा पूंजी अपने किसी बिजनेस में लगा दी, और वो बिजनेस चलानी है, और वो आपने बहुत भारी लॉस खा लिया है, तो आपका मन ही उठ गया है कि भाई मैं कैसे, मतलब नेक्स्ट मूव कर सकता हूँ किसी बिजनेस में. तो वो ट्रस्ट ही नहीं कर पाते इस प्रोसेस के ऊपर. ठीक है, इनका करियर बिल्कुल, मान लीजिए आपने 10-12 साल किसी करियर में लगा दिया है, और बाद में फिर उस करियर में कुछ आपका हुआ नहीं, तो दिस इज द ऑल्सो थिंग कि आपका लोनलीनेस बढ़ सकता है. ठीक है, हमने कॉज भी समझ लिए हैं. अब इसको टैकल करने के लिए ही मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि ये मैटर नहीं था. मान लीजिए आप अंडरस्टैंड भी मत कीजिए, कि कॉज भी मत जाने, इसके सिम्टम्स भी मत जाने, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि इसको टैकल कैसे किया जाएगा, इसे इसे ठीक कैसे किया जाएगा, ये हमें पता होना चाहिए, राइट? तो ये आप प्लीज जान ले. सो इट्स बिगिन विद अ सिंपल फॉरगिव मी प्रेयर. सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठे फीलिंग ग्रेटिट्यूड कि आप जिंदा है, ग्रेटिट्यूड फील करें कि आप जिंदा है. दूसरा आप एक प्रेयर करें गॉड को कि भगवान मुझसे आज तक जो भी गलतियां हुई हैं ना, प्लीज मुझे माफ कर दे और मुझे एक अच्छी जिंदगी दे. जो भी प्रेयर आप अच्छा करना चाहते हैं,
सो स्टार्ट विद अ गुड प्रेयर. सेकेंड स्टेज सोशल, आपको अपने आप को काटना नहीं है, नॉट कट योर सेल्फ, लाइक इवन काटना नहीं है कि आपको किसी ने बर्थडे पे इनवाइट करना है, आपने जाना है, आपने अनवांटेड नहीं जाना है कि किसी ने बुलाया भी नहीं और उठ के चले जाए. नहीं, अगर आपको किसी ने इनवाइट किया तो आप जाएं और बातें करें और फील कीजिए कि आप इस धरती पे हैं, तो एलियन ना बने, मिले सबसे. ठीक है. थर्ड इज एक्सप्लोर न्यू इंटरेस्ट, ज्वाइन बुक क्लब, गिटार, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आप सीख सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं. ठीक है. सो स्टे पॉजिटिव, टॉक टू योर सेल्फ, खुद से बात करना. मान लीजिए कोई है नहीं बात करने के लिए, या आप ज्यादा फोन कॉल्स नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं, तो खुद से बातें कीजिए. ठीक है. गेट अ पैट, डॉग और कैट, आप कोई भी पैट आप रख सकते हैं, उसके साथ आपका एक अच्छा स्टेट ऑफ माइंड रहेगी आपकी. आप उससे बातें कर सकते हैं, वो आपको परेशान करेगा, आप उसको मना सकते हैं. बहुत चीजें हैं जो आप एक पेट के साथ खुश रहने के लिए कर सकते हैं, उसके साथ आप खेल सकते हैं. ठीक है. सो एक छोटी सी बात आप समझिए कि आदमी रिटायर क्यों होता है, क्यों हमारी इंडियन गवर्नमेंट या वर्ल्ड की कोई भी गवर्नमेंट एक इंसान को रिटायर कब कर देती है? जब वो इसलिए रिटायर करती है कि वो घर जाए, सीरियल्स देखे, कॉमेडी देखे, घूमे फिरे, चार धाम की यात्रा करे, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करे, अपने बच्चों पोता पोती को खेल देखे या गार्डनिंग करे. किसी भी गवर्नमेंट, कोई भी जॉब किसी भी इंसान को इसलिए रिटायर नहीं करती कि वो लोनलीनेस का शिकार हो जाए, वो सोसाइटी में डिप्राइव फील करे, वो वर्थलेस फील करे, वो अनवांटेड फील करे, या वो एक अकेलेपन में मर जाए. कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती. वो गवर्नमेंट रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हट चुकी है, एंड नाउ यू एंजॉय योर लाइफ. आपने बहुत कुछ दे दिया अपने परिवार को, अपने बच्चों को, लेकिन नाउ आपके आपका टाइम है कि आप कुछ करें अपने पेरेंट्स के लिए. सो मुझे नहीं लगता, मैं मानती हूँ कि जो बुजुर्ग होते हैं बड़े, वो एक खजाना होते हैं, वो एक्सपीरियंस का खजाना होते हैं, नॉलेज का खजाना होते हैं, वो बहुत कुछ होते हैं आपके लिए. ठीक है. और मैं चाहती हूँ कि उनको उसी तरह से ही ट्रीट किया जाए जैसा हम एक खजाने को करते हैं. कितना प्यार से रखते हैं, कितना संभाल के रखते हैं, कितना ख्याल रखते हैं उनका. सो ठीक है. मूविंग टू नेक्स्ट लाइन. सो ओके. सो ये चीज मैं पर्सनली मानती हूँ कि जो भगवान है ना, वो आपको इनक्रेडिबल वैल्यूएबल पर्सन की तरह देखते हैं. सो वैल्यू योर लाइफ, ही नोज एवरीथिंग अबाउट यू, योर पास्ट, हार्ट, पेन, एंड ही गोइंग टू टेक अवे एवरी मेस इन योर लाइफ एंड हीलिंग यू फॉर एवर. वट एवर रॉन्ग थिंग्स यू हैव डन, आपने कुछ भी गलत किया हो, या आपसे गलती से कुछ भी पास्ट लाइफ में गलत हो गया हो, आपको कितना भी पेन मिला है जिंदगी में, आप सही थे तो भी आपके साथ गलत हुआ है, भगवान सब जानता है. तो भगवान ने आपको इस धरती पे एक अच्छा जीवन जीने के लिए भेजा है, तो एटलीस्ट अकेले तो ना रहे आप. ठीक है. सो यू कैन फील ट्रेश्योर्ड. ओके. हाँ सॉरी. सो मैं उसे ठीक से पढ़ नहीं पाई. सो डू समथिंग विद योर एनर्जी और लाइफ, डिस्कवर वाई गॉड चोज यू टू स्टैंड ऑन द अर्थ. डू समथिंग, नॉट एक्सपीरियंस लोनलीनेस. भगवान ने आपको इतना अच्छा जीवन दिया है, इसके साथ कुछ कीजिए, कुछ कुछ अच्छा कीजिए. सो मतलब क्यों भेजा भगवान ने, ये ढूंढने लग जाइए कुछ नहीं मिलता तो, बट एटलीस्ट परेशान नहीं होना, अकेले नहीं रहना. ठीक है. सो गेट समथिंग. ओके. नेक्स्ट इज जल्दी उठिए और एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए कि जो लोनलीनेस आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, वो परमानेंट नहीं है, इट इज टेम्पररी और ये ठीक हो जाएगी. तो यही सोच के अपना दिन की शुरुआत कीजिए और अच्छे से रहिए. नेक्स्ट इज टॉक टू स्ट्रेंजर्स, लेकिन वो फेसबुक वाला नहीं. टॉक टू स्ट्रेंजर्स लाइक किसी की हेल्प कर दी, गार्डन में आप किसी से मिल सकते हैं, पार्क में किसी से मिल सकते हैं, मेट्रो में किसी से मिल सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आप ग्रीट कर सकते हैं, हेलो हाय हो सकती है, नॉर्मल बातें कर सकते हैं, तो अच्छा लगेगा. प्रैक्टिस सेल्फ केयर, खुद की केयर करना स्टार्ट कीजिए, चाहे वो
80s की उम्र में फेशियल करना हो सकता है खुद का, गर्ल्स कर सकते हैं हमारे गार्जियंस, ठीक है। और जो हमारे 80s में जो हमारे ग्रैंडफादर के एज के हैं वो अपने मुस्टेच कर सकते हैं, मतलब ताव दे सकते हैं उनको, कुछ अच्छा अपने 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 लिए कर सकते हैं, अच्छे से आयरन वाले कपड़े वपड़े पहनो, घूमो फिरो अपनी वाइफ के साथ। की बिजी बिजी रहने की कोशिश कीजिए, जब आप अकेले बैठते हैं तो ही आप परेशान होते हैं या फालतू के थॉट आपके माइंड में आने शुरू होते हैं, तो कीप बिजी। ज्वाइन अ हर्ट सपोर्ट ग्रुप्स, या ऐसे जो ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए जो आपके दिल की केयर करते हैं, जो आपको हंसाते हैं, योगा कराते हैं, कुछ भी। आई डोंट नो कि ऐसे किसी में ग्रुप को नहीं जानती पर्सनली, लेकिन ऐसे होंगे जरूर, मुझे इतना पता है। गो टू द सिनेमा, कोई साथ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अकेले जाइए, वहाँ भी बहुत लोग होते हैं, आप देख सकते हैं मूवीज। गेट अ न्यू हॉबी, सेल्फ कुकिंग कर सकते हैं अपने लिए अगर घर में कोई नहीं है तो। एक्सेप्ट योरसेल्फ, बाय बाय टू नेगेटिव फीलिंग, मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल यू कैन बी विद व्हेन यू आर लोनली। देखो एक ऐसे इंसान की ना आप लिस्ट बना सकते हैं जिनके साथ आप खुश रह सकते हैं, लेकिन वो लोग ऐसे नहीं होने चाहिए कि आप उनको फोन करें वो फोन ही ना उठाए, राइट। अगर आप बुजुर्ग हैं और आपको किसी मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत है या कुछ भी प्रॉब्लम आ गई है, तो वो लोग ऐसे नहीं होने चाहिए कि आप उनको फोन किए जा रहे हैं और आगे से फोन का कोई जवाब नहीं आ रहा। आपको अपनी फोन बुक भरनी नहीं है, आपके फोन में इस चाहे एक ही नंबर क्यों ना हो, बट वो नंबर ऐसा होना चाहिए कि अगर आप एक बार फोन करते ना तो वो हाजिर है आपके लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट इज ट्राई गिविंग बैक टू नेचर, जैसे कि फूड फॉर स्ट्रीट डॉग, शेल्टर टू एनिमल्स, विजिटिंग। मान लीजिए कुछ लोग होते हैं जिनका कोई नहीं होता, आप हॉस्पिटल जाइए, आप उन लोगों से मिलिए, उनकी तबीयत कैसी है, जो अनाथालय होते हैं, जो हैंडीकैप लोग होते हैं, आप उनके पास जाइए, उनसे मिलिए, बातें कीजिए, आपको सच्ची बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं ऐसा कर चुकी हूँ बहुत बार, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ओके सो कोई आप थेरेपी भी ज्वाइन कर सकते हैं जो आपकी हिस्ट्री ट्रैकिंग करते हैं कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ इसकी वजह से आपको अकेलापन है, वो कॉन्सिक्वेंस जो होते हैं आपकी लाइफ के वो आइडेंटिफाई करते हैं। आप बैठे बैठे थक जाते हैं, मुझे नहीं पता, आप तो आराम से सुन लेंगे वीडियो, मुझे बनाने में ना बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ी थकावट हो रही है। ओके सो बी ग्रेटफुल बट एव यू हैव बी ग्रेटफुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करने के लिए। इट्स ओके दैट आई फील लोनली समटाइम, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको अकेलापन हो रहा है तो आप हवा बना लो, मुझे डॉक्टर के जाना है, मेरे को पता नहीं क्या होगा, नहीं यार, अच्छा है, कभी कभी जरूरी है, कभी भी होना भी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में। अगर मान लीजिए आपकी वाइफ अपने घर चली गई तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी क्या क्या ज़रूरत है आपकी ज़िंदगी में। आपकी मदर अगर कहीं चले गए हैं, कहीं घूमने चले गए आपकी फैमिली, तो आपको पता होना चाहिए ना कि उन लोगों की क्या वर्थ है, तब तक वो आपसे दूर नहीं जाएगा, पता ही नहीं चलता। तो ये टाइम टू टाइम होना भी चाहिए इंसान के साथ, तो उसको पता भी रहना चाहिए ना कि वो किनके साथ रह रहा है, उनकी क्या वर्थ है उनकी ज़िंदगी में, क्या वैल्यू है, ठीक है। आई फील लाइक ओके, अब मूविंग टू न्यू कॉन्सेप्ट की मैं कुछ वो चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ कि जो लोग अलोन रहते हैं वो बार बार क्या रिपीट करते हैं, कैसी चीज़ें रिपीट करते हैं, क्या बातें करते हैं। आई फील लाइक आई एम नॉट इम्पोर्टेंट टू एनी वन या एनी मोर, ठीक है। मैं किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है, आई डोंट थिंक कि आई रियली एग्जिस्ट, आई फील सेफर टू बी अलोन, मैं अकेले ही खुश हूँ, मुझे अकेले ही ठीक लगता है, मैं अकेले सेफ फील करता हूँ। इट फील्स सेफर टू बी अलोन देन आई कॉन्ट गेट रिजेक्टेड, अगर मैं अकेला रहूँगा तो मुझे कोई रिजेक्ट नहीं करेगा, ये सब चीज़ें महसूस करना। आई फील नम वैन आई फील लोनली, आई फील लाइक आई डोंट हैव एनी मीनिंगफुल रिलेशनशिप, ठीक है। I feel like I don't have anyone to tell my good news or bad news. कुछ लोगों को लगता है बस कोई है ही नहीं जिसको मैं अपनी बातें बताऊं कि मैं खुश हूं कि नहीं, ठीक है, या कोई अच्छी गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ बताने के लिए कोई है नहीं। I feel alone when I am surrounding by people, ठीक है। तो ये चीज़ें वो लोग
कंटिन्यूअस कहीं जाएंगे कि मेरी किसी को जरूरत नहीं है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये सब उनके माइंड में चलता रहता है। तो या जब मैं मर जाऊंगी, जब उस इंसान को मेरी वॉर्थ पता चलेगी या उसको पता चलेगा कि मैं उसकी जिंदगी में, देखो किसी के मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ता होगा मुझे नहीं पता, बट मैं इतना मानती हूँ क्यों किसी के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगानी है। इंजॉय करो यार, भगवान ने बहुत प्रीसियस लाइफ आपको दी है। सो अभी तक तो जो मैंने आपको लाइन्स बताई उसके बदले आप ये सेंटेंस भी तो कह सकते हैं ना कि आई लाइक कह सकते हैं यू आर ऑन अर्थ, यू आर कनेक्टेड टू द वर्ल्ड। अगर आप इस धरती पे आ गए हैं ना, तो भगवान ने आपको चूज करा है, आपको भेजा है धरती पे, जियो अपनी जिंदगी, जहाँ सिमरन जहाँ जी ले अपनी जिंदगी। बट क्यों नहीं जीना है पता नहीं क्या हो गया लोगों को, आई डोंट नो। मैं मानती हूँ मैंने एक्सट्रीम 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 लोनलीनेस से मैं गुजरी हूँ एक्सट्रीम, और ये चीज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ। मैं इतनी ब्रेक हुई हूँ अपनी जिंदगी में, आई कांट एक्सप्लेन, इसलिए बता रही हूँ। कुछ भी कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, मतलब इंपॉर्टेंट सब चीजें होती हैं, बट आप उनके लिए अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आई लॉस्ट माई ताऊ जी बहुत अर्ली स्टेज में, वो चले गए थे। फिर मेरे दादाजी की डेथ हो गई, और फिर मेरी भौजी के एक बेटे की डेथ हो गई, फिर मेरी दादी के एक भांजे थे उनकी डेथ हो गई। मेरे घर वाले भी वीडियो देखेंगे तो वो मुझे ये बोलेंगे कि तू क्यों पुरानी बातें याद करती, तू क्यों इनका जिक्र करती, तू मत सोचा कर इन सब चीज़ों को। मेरे को बहुत अर्ली स्टेज में टीबी हो गया था टेंशन की वजह से। मैं याद नहीं करना चाहती, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से गुजरी हूँ, और मैं आज आपको ये सब इसीलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मैं वो उस चीज़ सफ़र कर चुकी हूँ। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि देखो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, टाइम लगता है, पर आपको एक एक्सपीरियंस होता है लाइफ का कि हो जाएंगी ठीक, कोई नहीं, सब चीज़ें ठीक हो जाता है, हो जाती हैं। और मैं ये अपना जो पार्ट मैंने ऐड किया, ये मैं ऐड नहीं करना चाहती थी, टू बी ऑनेस्ट मैं सब नहीं शेयर करना चाहती थी आप लोगों से। ओके, यू आर इन कंट्रोल। देखो आप किसी जेल में नहीं है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आई मीन वीडियो देख सकते हैं, डोंट नो, हॉस्पिटल में भी आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल सही हैं, ना आप जेल में, ना आप एम्बुलेंस में, ना आप हॉस्पिटल में हैं, ना आप मेंटली अनसाउंड माइंड में हैं कि आप बिल्कुल पागल, आपके स्टेट ऑफ माइंड कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, और नथिंग हैपन टू यू, सो लीव योर लाइफ, ठीक है, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप बिल्कुल ठीक है। लोनलीनेस को इंसान होती लोनलीनेस इतनी है इतनी है इतनी है, लेकिन उसको इतना बना लेते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। और वो चीज़ जब इंसान सबकॉन्शियस माइंड में पर घुस गई ना कि मैं परेशान हूँ, तो भाई तुम्हें भी उस परेशानी से बाहर निकालने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, तुम्हें खुद उस चीज से निकलना है, ठीक है। सो आप उनकी केयर कर सकते हैं जिनका कोई नहीं है। फील लाइक यू डिजर्व क्वालिटी रिलेशनशिप, ये फील करना है, कोई नहीं मेरे को मेरी जिंदगी में प्यार ही नहीं है, मेरे को कोई प्यार ही नहीं करेगा, मेरे को यही है नहीं। आप खुद ही ऐसा सोचेंगे तो फिर सामने वाला कैसे आपसे प्यार कर सकता है, कैसे आपकी कीमत समझ सकता है। जब तक आप अपने से प्यार नहीं करेंगे तो यू आर इम्पोर्टेंट फॉर गॉड एंड योर सेल्फ। सबसे पहले आप खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस परमात्मा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसने आपको यहाँ पे भेजा है। इट सीम्स लाइक 39 मिनट्स, पता नहीं मेरी वीडियो कोई देखेगा या नहीं, आई डोंट नो, बट थोड़ा ही बचता है, बता देती हूँ। यू कैन एक्सप्रेस योर इमोशंस इन अ हेल्दी वे, लाइक ग्रेटिट्यूड, वॉइस मैसेजेस, आप लाउडली चिल्ला सकते हैं, वाओ आई एम सो हैप्पी, कुछ भी बोल सकते हैं। डोंट बी फील शाय, ट्राई टू न्यू थिंग्स, ठीक है, यू आर यूनिक, कुछ भी करने में ना शर्म मत करिए, ठीक है। अगर आपको गिटार बजाना है, आपको 80 की उम्र में शादी करनी है, तो करो, कुछ जो करना है करो, बट अकेले मन से ना मरो, ठीक है, अच्छा करो, सब अच्छा होगा।
यू आर अलाउड इट टू ओपन अप. ओके, रीड गुड अफर्मेशंस, अच्छी चीजें पढ़ें, अच्छी अफर्मेशंस दें मॉर्निंग में अपने आप को. यू कैन क्रिएट अ स्पेस बिटवीन योर फीलिंग्स एंड सोशल मीडिया. जरूरी नहीं हर चीज पोस्ट करना है. मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो अपनी कपल पिक्चर्स नहीं डालते या नहीं तो उनको लगता है कि नजर लग जाती है. तो ठीक है यार, अगर आपको लगता है तो मत करो. जरूरी थोड़ी कि करना है हर चीज सोशल मीडिया पे डालनी जरूरी थोड़ी ना है. ट्रैवल टू दिल्ली टू ट्रैवल फलाना ये क्यों बताना है भाई. ठीक है ना, बहुत इतने लोग हैं दुनिया में, किसी को इंटरेस्ट नहीं है. आप खुद से सेटिस्फाइड हो जाए अपनी जिंदगी में. यू कैन फाइंड पीस इन अ बिजी वर्ल्ड. ठीक है, अगर आप खुद से प्यार करना सीख लेते हैं या इस चीज को समझ जाते हैं कि एकांत क्या है और अकेलापन क्या है, तो अकेलेपन से निकल के ना सॉलिट्यूड की तरफ जाए. एकांत बेस्ट है, इंसान मोक्ष प्राप्त कर लेता है जो एकांत या मोह माया से दूर हो जाता है. ठीक है, यू डिजर्व मोक्ष. मोह माया से दूर होना इन सिर्फ एक्सपेक्टेशन खत्म कर देना, वही चीज है बस. यू डिजर्व टू बी ट्रीट योर सेल्फ बी लव्ड. अकेले डांस करो या अकेले डांस करो, कोई टेंशन नहीं है. अपनी खुद की तारीफें करने लग जाओ कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ, बहुत अच्छा गाना खाना बनाती हूँ, बहुत अच्छा गाना गाती हूँ, मैं बहुत अच्छा गिटार बजाती हूँ, मैं अच्छी कार ड्राइव करती हूँ. मुझे तो कार ड्राइव करनी भी नहीं आती, मैं फिर भी बोल रही हूँ मुझे बहुत अच्छी कार ड्राइव करनी आती आती है थोड़ी थोड़ी वैसे. आई लव माई सेल्फ. एक्सप्लोर थिंग्स अराउंड यू. ठीक है, आसपास की चीज़ें देखें, महसूस करें, जाने गार्डनिंग करें तो नए नए पौधे निकलेंगे, वो बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने इसकी केयर की तो ये अच्छा मतलब बढ़ रहा है. फोकस ऑन योर हेल्थ फर्स्ट. सबसे पहले अपनी हेल्थ पे जरूर केयर करें. कुछ लोग होते हैं खाना छोड़ देंगे, मान लें गर्लफ्रेंड का फोन है तो मुझे नहीं खाना खाना, कुछ नहीं हो सकता ऐसे लोगों का. स्माइल इवन इफ इट फील्स हार्ड. आप तब भी हंसने की कोशिश कीजिए जब आपको लगता है कि नहीं इतना सब हो गया मेरी जिंदगी में, can't laugh, I can't smile, so तब भी try कीजिए. ठीक है, invite friends for a tea. आप किसी को चाय पे भी अपने घर बुला सकते हैं, बहुत अच्छा है ये. keep in touch by phone. helpline number वगैरह अपने home में हमेशा रखें. skyping with your grandkids. ठीक है, आप video call कर सकते हैं अपने loved ones के साथ अगर आप ज़्यादा परेशानी या alone feel कर रहे हैं. so watch comedy movie, couple night show. वीडियो बहुत चीजें हैं यूट्यूब पे. दिस इज खत्म हो गया फाइनली. मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है और रात हो गई है तो सब डिनर का टाइम है. मुझे आई थिंक सब अब इस टाइम डिनर कर रहे होंगे, कुछ शायद मेरी वीडियोस आने के बाद करेंगे या कर चुके हैं, आई डोंट नो, या मेरी वीडियो कुछ सुबह में देखेंगे कुछ दोपहर रात को. उन सबके लिए जो सुबह में देख रहे हैं उनके लिए गुड मॉर्निंग, जो आफ्टरनून में देख रहे हैं गुड आफ्टरनून, जो इवनिंग में देख रहे हैं उनके लिए गुड इवनिंग, जो रात को देख रहे हैं उनके लिए गुड नाइट. सो कमेंट करके मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी एंड मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ अपनी वीडियोज़ में. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. इतना टाइम निकाला आपने मेरे लिए, 43 minutes. सो थैंक यू सो मच. दिस इज वो मेरी ये यूट्यूब की पहली इतनी बड़ी वीडियो है. सो थैंक यू सो मच. बाय.